शुभमध्याह्नः। अधुना वयं सर्वे व्यञ्जनसन्धि पठामः। व्यञ्जनसन्धि को संस्कृत में हल संधि कहते हैं। कंसोनेंटल कॉम्बिनेशंस। व्यंजन वर्ण किसी दूसरे व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करता है, तब व्यंजन संधि होती है। अर्थात व्यंजन वर्ण धन व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण उसका विकार बन जाता है, जैसे कि दिक् धन गजहा, दिग्गजहा। दिक् व्यंजन है और गजहा ये भी व्यंजन है, तो उसका विकार ग में बदल गया, तो हो गया व्यंजन संधि। दिक् अंतः दिगंतः एक व्यंजन है, दिक् व्यंजन है और अंतः स्वर है, तो बन गया व्यंजन संधि, तो उसका परिवर्तन ग में हो गया, तो हो गया दिगंतः। तो ये कैसे हो गया ये हम आगे देखेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में व्यंजन संधि होती है, मतलब कौन से नियम के अनुसार व्यंजन संधि होती है ये हम अब देखेंगे। पहली संधि है स्चुत्व संधि, उसे हम स्चुत्व संधि कहते हैं। तो स्चुत्व संधि का नियम क्या है, सूत्र क्या है? स्तोः श्चुनाश्चुः, स्तोः श्चुनाश्चुः। जब पूर्वपद व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर में से कोई भी हो, तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। लेकिन हम अब इधर स्तोः श्चुनाश्चुः जो स्चुत्व संधि है उसके बारे में जानेंगे। यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द का च हो जाता है, जैसे कि भवत, भवत में जो त है, त व्यंजन है, धन चरणम, तो भवत का जो त है उसके सामने च आ गया है, तो उसका रूपांतर द या च में होगा। लेकिन अब यहाँ उसका रूपांतर च में होगा क्योंकि उसके सामने च है, तो उसका अर्थ त लोप होके च बन जाएगा, तो बन गया भवत चरणम। अभी देखो एतद् चंद्रमंडलम, एतद् चंद्रमंडलम, तो एतद् जो द है उसका क्या हो जाएगा, च में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो कैसे हो जाएगा, एतद् अधिक चंद्रमंडलम, एतद् चंद्रमंडलम, तो द का लोप होके उधर क्या आ गया, च आ गया। अभी बी नियम देखेंगे। यदि त या द के बाद ज या झ रहे तो, मतलब उसके सामने, त के सामने या द के सामने ज या झ रहे तो त या द का ज हो जाता है, मतलब त या द का क्या हो जाता है, ज हो जाता है। जैसे कि उत अधिक ज्वलः, उत अधिक ज्वलः में उत त व्यंजन है, उसके सामने जो ज है उसका जो ज आया है उसको और एक बार ज लग जाएगा और त का लोप होके ज में बदल जाएगा, जैसे कि उज्ज्वलः। एतद् अधिक जननम, तो द के द का परिवर्तन ज में हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एतद् जननम। अभी नंबर सी देखिए। यदि न के बाद ज या झ हो तो न का ng हो जाता है, जैसे कि महान अधिक जयः, महान जयः।
तो न के सामने क्या आ गया है, ज आ गया है, इसलिए उसका रूपांतर ङ में हो गया है। ङ क्यों ङ में हुआ है, देखो एक आइडिया बताती हूँ। च छ ज झ ङ, तो ङ जो है, ज का जो अनुनासिक जो है, हाँ, तो उसका च का अनुनासिक जो है ङ, वो उधर आ गया है। उद्यन झंकारः, उद्यन झंकारः, इधर भी वही है, झ च छ ज झ ञ, च छ ज झ ञ, तो वो ङ इधर आ गया है, इसलिए उद्यन झंकारः। अभी चतुर्थ वर्ण देख लेते हैं, चतुर्थ नियम। यदि पदांत में त या द हो, तो त या द हो और उसके बाद श हो, तो मतलब त या द के सामने श हो, तो त या द का च और श का छ हो जाता है। जैसे कि महत षटकम, महत त के सामने श आ गया है, तो क्या हो जाएगा, इधर छ भी लग जाएगा और उसका जो छोटा छ है वो भी आ जाएगा। महत छटकम, महत षटकम बदल गया महत छटकम। ओके, अभी नेक्स्ट देखो। तद शरीरम तच्छरीरम, तद शरीरम, तद द के सामने श आए गया है, तो उसका रूपांतर बड़े छ में रूपांतर हो गया है तच्छरीरम। अभी ई देखेंगे। यदि पदांत में, मतलब पहले जो शब्द है उसके अंत में न और उसके बाद श हो, तो मतलब उसके सामने श हो, तो न का ङ एवं श विकल्प से छ हो जाता है। मतलब न का भी ङ होगा और जो श दूसरे शब्द में जो श है उसका भी विकल्प, उसका भी होके वो छ में बदल जाएगा। जैसे कि महान शब्दः महां शब्दः, तो इसमें न भी चला गया और श भी चला गया, उसके एवजी ङ आ गया और छ आ गया। धावन शशः धावंक शशः, धावन शशः धावंक शशः, धावंक शशः। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, उच्चार समझ में आना चाहिए, इसलिए। यदि अभी एफ देखो। यदि पदांत में त या द हो और बाद में ह हो, तो त का द का द और ह का ध हो जाता है। मतलब त का तो द होगा, वो भी है, और ह का भी क्या होगा, ध में परिवर्तन हो जाएगा। पहले वर्ण का त का किस में रूपांतर हो जाएगा, द में रूपांतर हो जाएगा, और दूसरे शब्द में जो ह है उसका ध में रूपांतर हो जाएगा। मतलब पूर्व पद का जो त है वो द में बदल जाएगा और उत्तर पद का जो ह है वो ध में बदल जाएगा। जैसे कि उत अधिकहतः उद्धतः, तत् अधिकहितम तद्धितम, तत् अधिकहितम तद्धितम, तो ह का ध में बदल गया और त का द में, तो हो गया तद्धितम। यदि चकार या जकार के परे, मतलब उसके सामने, मतलब चकार मतलब क्या है, अभी इधर च छ ज झ ञ उसको हम कहेंगे चकार। अभी जकार च छ ज झ ञ, तो हो गया जकार। ओके, चकार या जकार के परे न हो, तो न के स्थान पर ङ हो जाता है। जैसे कि याच ना यांचा, याच ना यांचा, यज अधिक नह, यज अधिक दह, यज अधिक नह बन गया यज्ञ, राज अधिक नी बन गई राधनी। तो जब जब च और ज रहेंगे और उसके सामने न आ गया, मतलब न न से नहा तक, न ना नी नी नू नू ने नई नौ नऊ नम नहा,
नहा तक कौन सा भी वर्ण उधर आ गया, मतलब कौन सा भी इसमें का वर्ण आ गया तो उसका रूपांतर क्या हो जाएगा, ङ में हो जाएगा। जैसे कि याच अधिकना यांचा, ज अधिकना यज्ञः, यज अधिकना यज्ञः, राज अधिकनी राज्ञी। इस तरह से हमने श्चुत्व संधि नियम और उसके दो दो उदाहरण पढ़ लिए हैं। ज़्यादा उदाहरण मैं बाद में दे रही हूँ, अब आप नियम समझ लो। उसके बाद में स्थोहो स्टुनाष्टुः, मतलब श्टुत्व संधि, उसमें का पहला नियम देख लेंगे। यदि त या द के बाद, त या द के सामने, बाद मतलब सामने, त या ठ हो तो, त द का ठ, त द का ट हो जाता है। जैसे कि तत टीका तट्टीका, सत टकारहा सत ठकारहा सत ठकारहा, मतलब इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। त के सामने ट आ गया तो उसका रूपांतर ट में हो जाता है। अभी दूसरा नियम देखो। यदि त द के बाद, मतलब उसके सामने ड ठ या ड रहे तो त द का ड हो जाता है। जैसे कि उत डी नहा उत डी नहा, मतलब त के सामने अगर ड आ गया तो वो ड में, त का क्या हो जाएगा परिवर्तन, ड में हो जाएगा। जैसे कि उत डी नहा उत डी नहा। और एक है महत ठालम, तो उसके सामने ड आ गया तो हो गया डी नहा, ड ड का डबल हो गया। अभी ठालम आया है तो उसका देखो, महत ठालम महत ढालम, तो ट का भी जो त है वो भी ठ में ड उधर आ गया है और ठा का ठा वैसे ही लिख दिया है, तो जो ट त है वो ड में परिवर्तन हो गया है। महत ठालम महत ढालम महत ढालम ऐसे हो गया है वो। यदि न के बाद ड या ठ हो तो उसका भी रूपांतर न का ण हो जाता है। न क्यों होगा, आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखो ट ठ ड ढ ण, तो जो ट वर्ग है उसका अनुनासिक जो है वो न है, इसलिए न का रूपांतर क्या हो रहा है, ण में हो जा रहा है। जैसे कि महान डाबरहा महान डामरहा, महान डामरहा महान डाबरहा डामरहा, तो इधर क्या हो गया, महान का न परिवर्तन होके ण में बदल गया, तो मैंने उधर आधा ण लिखा है और डाबरहा महान डाबरहा। अभी आगे देखो, तयऊ टटऊ पकारात, तयऊ टटऊ पकारात, इसका मतलब क्या है देखेंगे। यदि श के बाद, मतलब श के सामने त या थ हो तो त का ट एवं थ का ठ हो जाता है। जैसे कि आकुशतः आकृष्टः, आकुशतः आकृष्टः, मतलब उधर जो तहा है, तहा मतलब त सामने आ गया ना, तो उस त का किस में रूपांतर हो गया है, ठ में रूपांतर हो गया है। तो आकृष अधिकतः आकृष्ठः। अभी देखो, शश अधिकतः षष्ठः, शश अधिकतः, तो जो श, षटकोण का जो श है उसके सामने थ आ गया है, इसलिए जो श है वो किस में बदल गया है, ठ में बदल गया है और षष्ठ बन गया है। आगे देखिए, ले लस्तवर्गस्य, ले लस्तवर्गस्य मतलब क्या है। यदि नंबर ए देखेंगे, यदि त द के बाद ल हो तो उसका ल हो जाता है। जैसे कि उत अधिकलेखः उल्लेखः, मतलब त के सामने ल आ गया है इसलिए त ल में परिवर्तन होके उल्लेखः बन गया है।
दूसरा नियम, यदि न के बाद ल हो तो न का ल हो जाता है और नकार का परवर्ण में चंद्रबिंदु के रूप में संयुक्त होता है। चंद्रबिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चांद की तरह है, इसीलिए आधा चांद की तरह दिखता है ना, इसलिए। जैसे कि महान लाभ, महान लाभ, इसका मतलब इधर क्या हो रहा है, जो न है वो न हम उधर न लिखते हुए ऊपर आधा चंद्र बना के उसके ऊपर बिंदु लिख रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं चंद्रबिंदु। तो न के सामने ल आ गया तो ल भी आ जाएगा और न का परिवर्तन चंद्रबिंदु में हो जाएगा। यदि पदांत में न हो और उसके बाद कोई स्वर्ण हो तो न का द्वित्व हो जाता है। मतलब इधर ऊपर देखो, ऊपर के नियम में लाभ ये व्यंजन है ना, लेकिन नीचे के नियम में हसन न के सामने स्वर आ गया है तो इसलिए न का द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व मतलब डबल हो जाएगा, हसन अधिका आगतः हसन्नागतः। लेकिन इधर सुनो, इधर एक अपवाद है। क्या अपवाद है? परंतु यदि पद का अंतस्थित न किसी दीर्घ स्वर के परे हो तो न का द्वित्व नहीं होता। जैसे कि महान आग्रह, महान आग्रह, इसका नियम देख लिए हैं। दीर्घ स्वर मतलब महान, महान, न के पीछे देखो हा है, हा ये दीर्घ है ना, इसलिए महान अधिक आग्रह बन गया महान आग्रह, ना के द्वित्व। क्यों द्वित्व नहीं बना ये समझ में आ गया? क्योंकि उसके जो न किसी दीर्घ स्वर के परे हो तो, मतलब न के पीछे अगर जो वर्ण है वो दीर्घ हो तो उसका द्वित्व नहीं हो के उसमें मिल जाता है महान अधिक आग्रह, महान आग्रह। अभी चौथा नियम देखो, यदि न के आगे च या छ हो तो न का अनुस्वार च के स्थान पर श्च और छ का श्च हो जाता है। मतलब क्या क्या होगा? अभी देखो, न का अनुस्वार, अनुस्वार भी बनेगा, अनुस्वार मतलब बिंदु, बिंदु भी बनेगा और उसके साथ ही च के स्थान पर आ जाएगा शंकर का आधा श, श और छ का च। अगर समझो च है तो उधर श आएगा, अगर उधर छ है तो उधर भी छ आएगा। जैसे कि देखो, पश्यन अधिक चकिता, पश्यन चकिता, पश्यन का जो न है वो बिंदु बन के ऊपर चला गया और जो च है उसके साथ श जुड़ गया तो बन गया पश्चंश्चकितः। जय। और एक बार अभी देखो, छ के कैसे, महान छेदः, महाश्चेदः, महान धन छेदः, महाश्चेदः। अभी आगे का नियम देखिए, नंबर 6, यदि न के आगे, यदि न के आगे च या छ हो तो, यदि न के आगे मतलब सामने च या छ हो तो न का अनुस्वार च के स्थान पर श्च और छ का श्च हो जाता है। वही मैं 6th और एक बार पढ़ रही हूँ। पश्यन अधिकचकितः, पश्चंश्चकितः, महान छेदः, महाश्चेदः। अभी रूल नंबर 7 देख लो, यदि न के बाद त, ठ या ठ, ट या ठ हो तो न का अनुस्वार एवं ट ठ का ष्ट या ष्ठ में बदल जाता है। जैसे कि उद्यन, उद्यन न के सामने आ गया ट, ओके, तो उसका अभी हम क्या करेंगे देखो, उद्यंष्टंकार, तो न का परिवर्तन भी हो गया बिंदु में और
उधर श आ गया है, वो भी कौन सा श आ गया है, षटकोण का श आ गया है। उद्यन अधिक टंकार, उद्यन टंकार। ओके, महान ठक्कुर, महान ठक्कुर, महाष्टंकुर, महान टंकुर। तो न का बिंदु बन गया है और षटकोण का श उधर आ गया है, तो इसलिए वो बन गया महान टंकुरहा।